अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कवायद की जमात में खुश आमदीद। अच्छा बेटा, आप लोगों का आज का उन्वान है कलमा और महमल। कलमा और महमल से पहले आपको पता होगा कि जब हम हरूफ को जोड़ते हैं तो लफ्ज बनता है। हरूफ क्या होते हैं, जैसे अलिफ, अलिफ बे पे, ये हरूफ कहलाते हैं। अलिफ बे, जब आप हरूफ़ तहजी पढ़ते थे तो आप हरूफ पढ़ा करते थे, हरूफ तहजी में इनको हरूफ कहते हैं। फिर जब हम हरूफ को एक मुनासिब उसमें जोड़ते हैं तो लफ्ज बन जाता है। ये लफ्ज है, ठीक है। अब लफ्ज जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक कलमा और महमल। अल्फाज जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, कलमा और महमल। कलमे की क्या तारीफ है, कलमा वो लफ्ज है जिसके कुछ मायने हो, मसलन पानी, रोटी, लड़का, गांव। देखें, इन सब अल्फाज के मतलब हैं और इनको कहा जाता है कलमा। अब हम महमल को देखेंगे। महमल की क्या तारीफ है, महमल वो लफ्ज है जिसके कोई मायने ना हो, मसलन पानी वानी। इसमें वानी जो है वो महमल है, इसका कोई मतलब नहीं है और ये कलमे के साथ ही बोले जाएगा। फिर लड़का वड़का, वड़का जो है वो महमल है और ये अकेले नहीं बोला जाएगा, बल्कि जैसे हम बातचीत में बोलते हैं कि मुझे पानी वानी दे दो, ये लड़का वड़का कैसा है, इस तरह से ये महमल अल्फाज बोले जाते हैं। रोटी वोटी, गांव वाओ, महमल कलमे के साथ ही बोले जाते हैं, अकेले नहीं। तो आज का हमारा उन्वान है कलमा और महमल। अब आपको समझ आ गया होगा, कलमा वो लफ्ज है जिसके कोई मायने हो और महमल वो लफ्ज है जिसके कोई मायने ना हो। तो ये अब आपको समझ आ गई होगी, इसको तहरीर करेंगे हम अपनी कॉपी पे।